That is what time is sum of money double itself. मनी जो है वो डबल हो जाएगी, यानी कि जितना उसने लोन लिया है प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. किसका? अमाउंट का. ना कितने समय बाद, यानी वो लौटाएगा रुपए लौटाएगा लोन के, तो वो कितने रुपए लौटाएगा है ना, कितने समय बाद वो डबल रुपए लौटाएगा, ये बताना है. अमाउंट उसने लौटाया डबल, वो कितने समय बाद लौटाया. तो प्रिंसिपल मान लेंगे, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, प्रिंसिपल एक्स मान ली हमने, अमाउंट कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि डबल बोल रहा है, डबल कितने समय बाद लौटाएगा वो. ठीक है, टाइम पता नहीं, टाइम निकालना है. ठीक है, और रेट कितनी है, रेट है भाई पास, रेट कितनी दी है, 3 होल 6 होल 1/4% तो फॉर्मूला लगाइए इसमें, एस आई वाला फॉर्मूला लगाने से पहले प्रिंसिपल को ये एस आई निकाले, एस आई इक्वल्स टू ए माइनस पी. एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस पी. तो सॉल्व करेंगे इसको, एस आई इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स. तो एस आई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एस आई एक्स आ गया. तो फॉर्मूला लगाएंगे एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू पी अपॉन 100. ठीक है, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, ऐसा ही कितना है हमारा, x है, ऐसा ही अभी x निकाला, प्रिंसिपल भी हमारा x है, इंटू रेट कितनी है, रेट हमें दे रखी है, इसको हम चेंज कर लेंगे पहले, कितना हो जाएगा रेट, 6 4 25/4 आ जाएगी, इंटू 25/4 इंटू टी पता नहीं इंटू अपॉन 100. ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो एक काम करो, देखो ये 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर कितना आ जाएगा, 100x इक्वल्स टू कितना आएगा, 25/4x इंटू टी. ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 400 हो जाएगा, 400x इक्वल्स टू 25x इंटू टी. अब टी निकालना है, तो 25x को अपन लिया है, 400x अपॉन 25x. ठीक है, इक्वल्स टू में टी, 25 से डिवाइड कर दो इसको, कितना टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 8 टाइम्स, और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो टी कितना आ गया, 8. तो टी आ गया हमारा 8 ईयर, 8 साल बाद वो पैसे दुगने करके वापस लौटा देगा. ठीक है, फिर डिवाइड करने पे 8 नहीं 16 आएगा, डिवाइड करने पे 8 नहीं 16 आएगा. ठीक है, आंसर होगा. ओके, वी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन इज, उसमें बोला है एट व्हाट टाइम, उसमें बोला है एट व्हाट रेट, इसमें रेट निकालनी है, इसमें क्या निकालना है बेटा, रेट निकालनी है, इसमें टाइम दिया हुआ है, और क्या निकालनी है, रेट हमें निकालनी है, और अमाउंट जो है कितना हो जाता है ट्रेवल, यानी 3 गुना हो जाता है अमाउंट, कितना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है ट्रेवल बोले या 3 टाइम्स बोले. टाइम इसने हमें दिया है, कितना है टाइम, 20 ईयर्स, 20 सालों में. ठीक है, 20 ईयर्स में तो रेट हमें निकालना है, रेट निकालना है, कितना निकल के आएगा, ऐसा ही हमारा 2x निकल आएगा. देखो हमने ऐसा ही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, e माइनस पी, ए कितना है हमारा 3x, में से x माइनस करेंगे 2x आ जाएगा. सेम फॉर्मूला लगाएंगे, कितना आएगा 2x इज इक्वल टू, पी कितना है x, इंटू रेट पता करनी है, टाइम कितना है 20/100, 0 से 0 कैंसिल करो, 10 5 आ जाएगा, 5 को x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 2x
इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो कितना आ जाएगा 5 3 10 एक्स 2x इनटू 5 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू आर रेट आ गई ठीक है आगे सॉल्व करेंगे आगे सॉल्व करेंगे बेटा x से x कैंसिल हो जाएगा 10 बराबर r तो r रेट कितनी आ जाएगी रेट कितना आ जाएगा बेटा 10% रेट आ जाएगा कितना आ जाएगा 10% रेट आ जाएगी ठीक है यही हमारा वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट आवाज आ रही है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम बात करते हैं है ना बिकम 2/5 द अमाउंट अमाउंट का 2/5 हो जाएगा किसका 2/5 हो जाएगा अमाउंट का बेटा किसका 2/5 हो जाएगा अमाउंट का तो हमें पहले प्रिंसिपल पता करनी पड़ेगी तो हमें मान लिया लेट अमाउंट लेट अमाउंट बी एक्स अमाउंट मान लिया हमने एक्स अमाउंट कितना हो जाएगा एक्स और अमाउंट का प्रिंसिपल क्या सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा है 2/5 ऑफ अमाउंट अमाउंट का 2/5 हो जाएगा ठीक है देखो बेटा तो अमाउंट जो एसआई जो है अमाउंट का 2/5 हो गया है एसआई जो है अमाउंट का क्या हो गया है 2/5 हो गया है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसका करेंगे अमाउंट कितना है 2/5x हो जाएगा एसआई अब प्रिंसिपल निकालना है प्रिंसिपल चाहिए हमें प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल निकालना है प्रिंसिपल कैसे मिलेगा एस आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ठीक है ये तो होता है फॉर्मूला या हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला रखें साइड डायरेक्ट प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस एस आई यही तो होगा तो प्रिंसिपल पता करना है अमाउंट कितना है एक्स इसमें से 2/5x माइनस कर दो ठीक है माइनस कर दो इसमें से तो बेटा ये प्रिंसिपल आ गया हमारा प्रिंसिपल निकालेंगे इसमें से माइनस करके प्रिंसिपल इज इक्वल टू अपॉन 1 मान लेंगे 5 हो जाएगा 5 बन जा 5 x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5x 5 का 5 से डिवाइड करेंगे बेटा कितना आएगा 1 का 2x मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बेटा 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 3x अपॉन ये क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया और हमें निकालना क्या है निकालना क्या है रेट निकालनी है टाइम दिया है देखो टाइम यस दिया है टाइम कितना दिया है प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है ठीक है टाइम दिया है हमें कितना 10 इयर्स टाइम में 10 इयर्स दिया तो एस आई वाला फॉर्मूला लगा देंगे एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ओके पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये फॉर्मूला लगा देंगे बेटा तो फॉर्मूले में एस आई की वैल्यू कितनी है एस आई में निकाली थी 2/5 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आएगी 3x अपॉन 5 इंटू रेट निकालनी है टाइम 10 ईयर दिया है अपॉन 9 100 ठीक है बेटा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे 10 को कितना आ जाएगा 2 ठीक है अब जो कितना आएगा 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3x इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 100 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2x इंटू 100 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 6x ठीक है बेटा 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6x इंटू आर 6x का डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 6 स्टार्ट में लाएंगे तो 2x
इनटू 100 अपॉन 5 इनटू 6x इज इक्वल टू r ओके आगे सॉल्व करेंगे बेटा इसमें देखो ये आया है कितना इसको पहले यहां लिख लेते हैं 2x इनटू 100 अपॉन 5 इनटू 6x तो x से x कैंसिल हो जाएगा हमारा 5 से कैंसिल करेंगे 100 को कितना आएगा 20 इनटू r अब यहां लिख लो 2 इनटू 20 अपॉन 6 इनटू r ठीक है बट दूसरे वाले पर दो 6 को कितना आएगा 3 तो 20 अपॉन 3 इनटू r डिवाइड करो उसको कितना आएगा 6 होल 2 अपॉन 3 यहां 2 बचेगा ना 3 6 18 2 बचेगा तो यहां 2 पर लिख दिया नीचे 3 लिख दिया रेड कितनी आ जाएगी बेटा यहां 6 होल 2 अपॉन 3 परसेंट ये रेड आ ठीक है ये रेड आ गई बेटा यही हमारी